Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I hope that all of you will be well. Today we are going to discuss lecture number 7. The heading is LED. LED पहले भी आपने सुना होगा, light emitting diode. Light emitting LED means L lights. Light emitting diodes, the diodes. तो ये जितने भी आपके इंडिकेटर बल्ब हैं या एमरजेंसी लाइट में वो छोटे छोटे पॉइंट हैं या मोबाइल में जितने भी आपके डिजिट आप लिखती हैं 1 2 यानी ABCD या 1 2 3 4 या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज हैं या आप पेट्रोल पंप पर जाते हो तो कहीं भी कंप्यूटर हो लैपटॉप हो वो जो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिकली लिखते हैं वो मतलब कोई भी हिस्से हैं डिजिट है या कोई स्टेटमेंट है या कोई ग्राफ बनाते तो ज़ाहिर है उसमें कोई इंक नहीं होती. इंक होती तो हमें उसमें इंक डालनी पड़ती या उसको रिमूव करना पड़ता बाद में. तो वो सिर्फ मखसूस शेप में हमने डायोड बनाए होते हैं जो कि मुख्तलिफ कलरों की लाइट अमिट करके उस हिस्सों को तरतीब देते हैं. या कोई भी आप डिवाइस टीवी वगैरह ऑन करते हैं तो उसमें वो रेड जो आपका पहले बटन या होता है कि भाई अभी ये ऑफ है फिर ब्लू आ जाता है कि ये ऑन है तो वो समझ लो कि सारे उसमें LED जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड है. बल्कि अब तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल है जो कि सोलर सिस्टम पर चलते हैं इनमें भी वो जो कलर चेंज होते हैं दैट इज़ रेड ग्रीन एंड यू में से येलो वो भी सारे LED की मदद से हम ऑपरेट करते हैं. तो LED जो है इसकी बेसिक टेक्निक क्या है कि ये LED जो है इसके लिए हम कौन सा मटेरियल यानी इसकी डेफिनेशन हम ये कहेंगे एनर्जी कन्वर्शन के लिहाज से कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. आम बल्ब भी यही कहता है कोई भी चीज़ जो रोशनी पैदा करती है बिजली से समझो हम उसको कहेंगे कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. तो ये इसकी डेफिनेशन हम कहेंगे जी इसकी डेफिनेशन कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. इसके जो रिवर्स डिवाइस है वो होती है फोटो डायोड. यानी अगर कहें ना कि व्हाट इज द रिवर्स डिवाइस ऑफ फोटो डायोड तो जो रिवर्स डिवाइस ऑफ फोटो डायोड है LED है यानी उसको हम कहेंगे फोटो डायोड. यानी अगर कहें ना दोनों को कंपेयर करो तो यानी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी ये समझो कि उसके रिवर्स ऑफ दैट अगर अमूमन कहता है कि कंपेयर LED एंड फोटो डायोड. दूसरा उसमें यह फ़र्क है कि वो हमेशा फॉरवर्ड बायस है यानी LED इज ऑलवेज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस. LED इज केप्ट ऑलवेज केप्ट
इन फॉरवर्ड बायस, वेयर एज फोटोडायोड इज ऑलवेज केप्ट इन रिवर्स बायस, वेयर एज फोटोडायोड इज यू मीन से केप्ट इन रिवर्स बायस, तो वो उसमें हम कहेंगे कि भाई लो वोल्टेज होती है इसमें, हाई हम कहेंगे कि बायसिंग होती है। तीसरा उसमें फर्क जो है कि एलईडी ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज, वेयर एज फोटोडायोड इज ऑपरेटेड एज हाई वोल्टेज, कि वो हम हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि ये जो एलईडी है, ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा बात कहा, वो कंपैरिजन पूछ लेता है, तो कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज दी कंपैरिजन बिटवीन एलईडी एंड फोटोडायोड। जो एलईडी है इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ एलईडी, तो सिंबल बेटा हम यूं बताते हैं कि ये हम ये कहेंगे कि ये एक पीएन जंक्शन है, या हम एक बैटरी लगाते हैं फॉरवर्ड बायस में स्मॉल वोल्टेज, जो इनपुट होता है वो करंट होता है, और यहाँ से ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ से इसके जंक्शन से फिर लाइट जो है वो अमिट होती है, ये आउटपुट है लाइट। तो ये हम कहेंगे कि ये इसका सर्किटल सिंबल, या सिर्फ आप शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं कि ये इसका सिंबल है, ये लाइट। और ये इनपुट करंट आ गया, जो इसकी मतलब रेटिंग होती है कि मटेरियल हमने जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है, और इसकी जो रेटिंग है वोल्टेज की वो कितनी है। इसकी अमूमन जो वोल्टेज की फॉरवर्ड बायस में रेटिंग है वो 1.3 से लेके 3 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स बायस में हम इसका जो होता है ना मतलब पीक रिवर्स, जैसे ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, वो तकरीबन 5-10 वोल्ट होती है। जो इसका करंट रेट होता है आई, उसकी कीमत होती है 2 नैनो एम्पियर से लेके कोई 50 नैनो एम्पियर तक। ये हम इसकी मुख्तलिफ रेंजेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्शन किसका, प्रिंसिपल क्या है, और इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, तो वो जो बेटा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो ये होता है कि फर्ज करें कि ये एक पीएन जंक्शन है, ये फर्ज करें कि इधर एन टाइप है, इधर पी टाइप है, ये उसका जंक्शन लाइन है, ये उसके पास पास डेटर यूर में से डिप्लीशन ले रीजन है।
डिप्लीशन रीजन। इसमें बेटा जी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और इधर जो है वो होल जो है वो मौजूद है। यानी एंड टाइम में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उधर जो है वो फ्री होल होते हैं। पहले हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी कितनी है, यानी इनका अपना जाती पोटेंशियल कितना है, यानी कह लें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। फर्ज करें कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है, उनका जो पोटेंशियल है मैं उसको मोबिलिटी को डिनोट करता हूँ म्यू ई से, कि हर इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो म्यू ई है, और इधर जो इसमें मोबिलिटी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सपोज दैट इज म्यू पी। ये हमने ऐसी डोपिंग करनी होती है कि इन दोनों की रेशियो, इन दोनों का सम जो हो दैट शुड बी इक्वल टू वन। क्यों? अगर ये वन नहीं होगा तो ये आपस में, यानी होल की और हो जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की और हो जाएगी, तो वो रिकम्बाइन नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे इसको केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, कि इसका जो अपनी बॉन्डिंग की वजह से किसी के पास जो एनर्जी होती है दैट इज आल्सो नोन एज, हम फिजिक्स में उसको मोबिलिटी कह देते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको केमिकल पोटेंशियल कह देते हैं, कि इट इज़ द एबिलिटी टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ फिजिक्स में कह देते हैं इट इज़ द एबिलिटी टू क्रॉस या टू कह लेंगे द जंक्शन। अब ये जब दोनों आपस में, फर्ज करें कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन आता है, इधर से एक होल आता है, ये भी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में मूव करता है, उसकी एनर्जी ई सी के बराबर होती है, और वो जो होल है वो वेलेंस बैंड में होता है। जब वो जंक्शन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और आमने सामने आते हैं तो दे रिकम्बाइन, यानी जब वो रिकम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, रिकम्बाइन के वक्त फर्ज करें कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी है ई सी, दी एनर्जी इक्विवेलेंट टू कंडक्शन बैंड, उधर से एक होल आ रहा है जिसकी एनर्जी जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू ई, यानी कह लेंगे ई वी वेलेंस बैंड। अब यहाँ आके जब वो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस होल में ड्रॉप करेगा, तो यहाँ से वो ड्रॉप करेगा, तो आपको पता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट इट अमिट्स रेडिएशंस, और उस रेडिएशन की कीमत जो है वो दोनों लेवल की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यानी यहाँ से जो फोटॉन निकलेगा उसकी कीमत एच एफ जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू ई सी माइनस ई यू में से ई वी, और ये जो कीमत है ये खुद हमने एडजस्ट करनी होती है, यानी उसमें डायरेक्टली कोई इम्प्योरिटी की मदद से हम इसकी कीमत जो है वो जिस कलर के मुताबिक एडजस्ट कर दें उसकी कीमत उसी कलर की ये फोटॉन जो है वो हमें हासिल होगा। तो अब हमने देखना है कि ये हमने कितनी एडजस्ट करनी है, इसकी कीमत जो है हम एडजस्ट करते हैं 1.73 से लेके 3.1 तक, ये इतनी एनर्जी होगी तो वो रेड कलर देगा, इसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये आखिरी आपका इस तरह वो आ जाएगा ना विब गार, ये वी इंडिगो, ठीक ऐसे, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और एनर्जी जो पैकेट है वो सबसे कम, वायलेट की एनर्जी उसकी वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और उसका जो कह लीजिए कि जो गैप है वो सबसे ज़्यादा।
अब हमने देखना है ये है कि ये गैप हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे ये लाइट जो है वो हमें हासिल होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो मटेरियल कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा, ये तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि मटेरियल कौन सा होगा। मटेरियल यूज्ड फॉर LED, तो पहले बात तो यह है इसमें कि सिलिकॉन इज नॉट अलाउड। सिलिकॉन है, हम ये कहेंगे कि वाई पहले सिलिकॉन, वाई सिलिकॉन डायोड कैन नॉट अमिट लाइट। तो ये देखो कि भाई क्यों लाइट अमिट नहीं करता, दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि सिलिकॉन का जो जंक्शन गैप होता है दैट इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डिफरेंस बिटवीन EC एंड EF जो है वो इतना होता है। और आपको पता है कि ये रेंज जो है ये विजिबल लाइट के फोटोनों के लिए सूट नहीं है, क्योंकि विजिबल लाइट के फोटोनों की जो एनर्जी है वो वेरी होती है 1.73 से लेकर 3.1 तक। ये यूज होते हैं सिर्फ थर्मल रेडिएशन, इसलिए हम यहाँ हीट करने होते हैं, कोई चीज़ आपने गर्म करनी होती है तो उसमें हम रेत जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हीट अप होके थर्मल रेडिएशन खुद भी पैदा करती है। एक तो नीचे से आ रही होती हैं कढ़ाई वगैरह में, और एक वो खुद भी पैदा करती है, और दूसरा ये है कि वो अपैक है, उसमें अगर कोई फोटन निकलेगा भी तो वो बाहर जो है विजिबल नहीं आ जाएगा। यानी दो इसकी वजह है, नंबर एक वजह तो ये है कि ये ओपैक है यानी गैर शफाफ है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक, यानी नॉट ट्रांसपेरेंट। और दूसरा जो है कि एनर्जी गैप जो है दैट इज नॉट मैचेस विद द लाइट फोटन। जो एनर्जी गैप है ना EC-EV के बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दैट इज नॉट इक्वल टू मैचेस विद द लाइट, हाँ जी लाइट फोटॉन्स। तो ये है कि अगर कोई आपसे कह दे कि भाई इसमें हम सिलिकॉन से क्यों हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये इसकी वजह है। फिर इसकी ये वजह है कि दूसरे इसमें कोई भी हम नेचुरल जो है ना सेमीकंडक्टर वो इस्तेमाल नहीं करते, ना सिलिकॉन ना जर्मेनियम, बल्कि इसमें हम आर्टिफिशियली डायरेक्ट गैप जो है वो पैदा करते हैं। आर्टिफिशियली जो हम बनाते हैं स्पेशल टाइप, वो होता है कि एक हम कुछ लेते हैं मटेरियल थर्ड ग्रुप से, कुछ फिफ्थ से, और उनकी रेशियो को इस तरह कंबाइन करते हैं कि जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए फोर्थ ग्रुप। तो इसके लिए जो मटेरियल है वो होता है अमूमन कह लेंगे दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, यानी गैलियम आर्सेनाइड GaAs, या इसमें हम फास्फोरस मिला के दूसरे साइड पर रखते हैं गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, कि ये हम कहेंगे कि इसमें दो मटेरियल जो है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आजकल मेटल्स मिला के हम उससे मल्टी कलर या जो है LED वो भी हम जनरेट कर रहे हैं। कौन सा कलर सूट करेगा वो हम चॉइस डिपेंड करती है
कि आप कौन सा कलर चाहते हैं। हर मटेरियल के लिए जो कलर की सिलेक्शन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये वो स्कीम मैंने एंड पर लिख दी है कि कौन से कलर के लिए कौन सा मटेरियल जो होगा वो इस्तेमाल होगा। मतलब अगर आप ये गैलियम आर्सेनाइड रखते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि गैलियम यानी गैलियम आर्सेनाइड और दूसरे से, तो ये एक आपको कलर देगा इन्फ्रारेड। अगर आप इस्तेमाल करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यानी गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो वो आपको जो कलर देगा यानी रेड टू इन्फ्रारेड ऑरेंज, ये आपको रेशो के चेंज होने से ज़्यादा होगी रेशो आर्सेनाइड की रेड, फिर कम कर लेंगे इसको आर्सेनाइड को तो येलो, और फिर हम ये कहेंगे कि ऑरेंज यानी कह लेंगे रेड, बल्कि रेड के बाद थोड़ी सी परसेंटेज कम करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा, थोड़ी सी और परसेंटेज कम करोगे तो वो पीला पन यानी येलो कलर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे वो तरतीब है कि यानी रेड ऑरेंज येलो या येलो बढ़ाते जाएंगे तो पहले येलो फिर ऑरेंज और फिर रेड कलर जो होगा वो देगा। आप कहेंगे कि वो बढ़ाने का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डोपिंग का जो फार्मूला है कि वो कितनी क्या चीज़ होनी चाहिए। तो वो जी बेटा जी ये फार्मूला है कि भाई दैट इज इक्वल टू जी ए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इनकी जो रेशियो है यानी वन माइनस एक्स, किसका मतलब अगर एक्स बढ़ाते जाओगे तो यहाँ में लिखा है कि ये इसका फार्मूला है, तो हम कहेंगे कि लाइट रिटर्न टू मतलब कह रहे कि शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे ही आप यानी इसकी तादाद ज़्यादा करते जाओगे और आर्सेनिक उसी रेशो से कम करते जाओगे तो ये लॉन्गर वेवलेंथ से, लॉन्गर वेवलेंथ रेड की उससे कम होके फिर शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी ऑरेंज हो जाएगा, और फिर शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी तो ये येलो हो जाएगा। इस तरीके से हम ये इसका डोपिंग फार्मूला जो है उसके मुताबिक हम उसकी कीमत जो है वो चेंज करके तो मुख्तलिफ कलर जो है वो यानी चेंज कर सकते हैं हाई वेवलेंथ के या स्मॉलर वेवलेंथ के। तो ये था कि इसकी डोपिंग कैसे चेंज करके कैसे कलर जो हैं, बाकी इसमें सारे कलर मैंने लिख दिए हैं कि मुख्तलिफ कलर जो हैं कि अगर आप उसमें एलुमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यानी उसमें इसके साथ साथ एलुमिनियम भी ऐड कर देंगे तो फिर वो आपको हाई ब्राइटनेस, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, कलर वही रहेंगे लेकिन एलुमिनियम के ऐड करने से उसकी ब्राइटनेस जो उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ गैलियम फॉस्फाइड देते हैं तो वो आपको वही रेड येलो और ग्रीन लाइट देगा। एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड जो है वो आपको ग्रीन कलर देगा और गैलियम इंडियम जो है नाइट्राइड वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट
ब्लूइश ग्रीन और ब्लू लाइट जो है वो देगा। अगर हम उसमें थोड़ा सा वो कह लेंगे सिलिकॉन कार्बाइड उसमें ऐड करेंगे SiC, तो ब्लू कलर जो है वो हमें हासिल होगा। अगर हम उसमें जिंक जो है वो मिला लेंगे जिंक सेलेनाइट, तो वो सिर्फ ब्लू कलर देगा। एल्यूमिनियम गैलियम और नाइट्राइड का बनाएंगे तो फिर उससे हमें अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो हासिल है होगी। तो ये मैंने पूरी कलर स्कीम लिख दी है कि कौन से कलर के लिए हमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, और इस फार्मूले से हम एमिटेड लाइट की वेवलेंथ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये था कि LED में कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या है। इसके बाद हमने ये भी देखना है कि इसमें जो करंट है उसको हमने एक लिमिट तक कंट्रोल करना होता है, कि एक लिमिट से उसकी ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम रास्ते में एक लगाते हैं कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, कि फर्ज करें कि ये एक LED है, तो ये हमने इसको फॉरवर्ड बायस में रखा है। इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम होगा करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, दैट इज गुड। हाँ जी, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस RS इसका सिंबल होगा। ये I, ये RS, दैट इज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस RS। तो इसका बेटा जी जो फार्मूला है वो क्या है, इसका फार्मूला जो होगा कि RS जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू यू में से, हाँ जी, तो वी आर वी आउट के इसने जो वोल्टेज देनी है वी आउट पीक, कि इसमें मैक्सिमम जो है वो पीक वोल्टेज माइनस ये VF, जो फॉरवर्ड बायस की रेजिस्टेंस है यहाँ आपने दी हुई VF डिवाइडेड बाई IF। IF यहाँ जो फॉरवर्ड बायस में आपको करंट होता है असल, उसको हम IF कहते हैं। VF वो हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा के ये देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम जो है वो पैदा हुई है। तो उसको वी पीक यानी वी आउट पीक कह लें या वी मैक्सिमम कह लें। तो इस तरीके से हम इसके करंट की कीमत जो है वो कहा ना विद इन स्पेसिफिकेशन रेंज दैट इज 2 नैनो एम्पियर टू 50 नैनो एम्पियर जो इसकी कीमत जो है हम रखते हैं। आजकल ऐसे भी आई हुई हैं मल्टी कलर, जैसे आप देख रहे हैं TV में, आप वही बटन जो है दबाते हैं तो वो आपका पहले रेड आ जाता है, ऑफ है, और वही LED बाद में दबाते हैं ना जब ऑन होता है तो ब्लू कलर दे देती है, ठीक। और वही जब हमने उसको पाइप पर लगाना है तो वो मतलब आपका येलो कलर दे देगी। या ये जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें वही LED कुछ देर ब्लू कलर देती है, सॉरी ग्रीन कलर देती है, कुछ देर रेड कलर देती है और कुछ देर येलो कलर देती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उसमें कोई पीछे LED चेंज तो नहीं कर रहे, तो वो क्या अरेंजमेंट है कि वो LED जो है वो खुद ब खुद ही अपना कलर जो है वो चेंज कर रही है। ऐसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे मल्टी कलर LED, मल्टी कलर LED। असल में उसमें होता क्या है कि वो दो LED होती हैं, ऐसे उसके होता है मल्टी कलर LED।
मल्टी कलर LED। मल्टी कलर LED में हकीकत में दो LED होती हैं इस तरह अपोजिट में लगी हुई। अगर ये एक LED है, दूसरी अपोजिट होगी, उसका रिवर्स सिग्नल होगा। ये इसका कॉमन है। यहाँ फर्ज करें कि हमने इनको कॉमन बैटरी दी हुई है VF, जिसकी हम डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि ये एक LED जो है LED 1 Diode 1, इट इज़ मेड फॉर रेड कलर। इसके जो मटेरियल है वो रेड कलर के लिए है, इसका जो मटेरियल है वो ग्रीन लाइट के लिए है। ये ग्रीन लाइट, ठीक। अब इसमें ये कैसे वो तीनों कलर देगी आपका, यानी ट्रैफिक सिग्नल में, फर्ज करें कि जब हम इसको यानी इस तरह हम फॉरवर्ड के, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपको पता है कि इसमें ये जो होगी ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और ये जो होगी ये रिवर्स बायस हो जाएगी। तो आपको पता है कि LED फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करती है, रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करती। तो फिर आपको ग्रीन लाइट जो है उससे हासिल हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप फर्क करें कुछ देर के बाद दोबारा उसी को ऑन करते हैं और ये आपने ऐसा कि ये वेरिएबल रखी हुई है, यानी हमने यहाँ AC जो है वो कुछ लगाया हुआ, कुछ देर के बाद अपनी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो जितनी देर हमने वो सिग्नल ग्रीन देने है उसके बाद फौरी तौर पर ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। अब जब वो अपनी डायरेक्शन बदल लेगी तो ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ये ऑफ हो जाएगी। पहले ये ऑफ थी और वो ऑन थी, अब ये ऑफ हो जाएगी और वो ऑन हो जाएगी और आपको रेड कलर जो है वो हासिल हो जाएगा। येलो कैसे होगा? येलो कलर के लिए हम यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देते हैं और वो स्पार्कलिंग करती है, एक दफ़ा रेड, एक दफ़ा ग्रीन, एक दफ़ा रेड, एक दफ़ा ग्रीन, और वो इतनी जल्दी से वो करती है कि वो दोनों जो पल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और आप ग्रीन और रेड को मिक्स करें तो हमें येलो कलर जो है वो हासिल हो जाएगा। यानी येलो कलर के लिए हम कहेंगे कि ये यहाँ सिग्नल जो है वो रैपिडली चेंज होता है, फ्लिकिंग करता है, और वो दोनों पल्सेस जो हैं वो कंबाइन होके तो आपको एक येलो कलर की लाइट जो है वो हासिल होती है। तो इस तरीके से बेटा जी हम मल्टी कलर जो है वो बनाते हैं LED। LED की एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ LED, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, या यूजेज आप इसको कह सकते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम ये 7 हिस्सों का एक अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे हम मुख्तलिफ डिजिट जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं, यानी कह लें कि एन अरेंजमेंट ऑफ सेवन LED इज यूज टू डिस्प्ले डिजिट्स, यानी मैथमेटिक्स उसमें मतलब ये 7 इस तरह लगाते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा हम
ये बिल्कुल ना होने के बराबर डिस्टेंस रखते हैं। अब जब हमने जीरो लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो वन टू, चलो ऐसे शुरू कर लें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इन चारों को फॉरवर्ड बायस कर लेंगे रिवर्स, तो ये एक हमें जीरो की हिंसा हासिल हो जाएगा। अगर हमने वन लिखना है तो वो वन या टू में से या दोनों को हम फॉरवर्ड बायस में कर लेते हैं। अगर हमने थ्री लिखना है तो हम क्या करते हैं कि जनाब इस तरह इनको हम फॉरवर्ड बायस कर लेते हैं। अगर हमने फोर लिखना है तो फिर हम ऐसे इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं दैट इज कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। अगर हमने फाइव लिखना है तो ये भी साथ मिला लेते हैं। अगर हमने सिक्स लिखना है तो ये भी साथ हो गया। अगर हमने सेवन लिखना है तो फिर हम ये कहेंगे कि कोई हमें एक है इसको और इसको कर लेंगे। एट लिखना है तो उस वक्त सारी LED जो है वो फॉरवर्ड बायस में होती हैं। तो इस तरह सेवन LED की अरेंजमेंट की मदद से हम कोई भी मैथमेटिकल नंबर जो है वो लिख सकते हैं, और इसी से हम फिर मुख्तलिफ अंदाज में ABC भी बनाते हैं। दूसरा ये होता है कि भाई एमरजेंसी लाइट यानी इंडिकेटिंग इंडिकेटर, आजकल ये जितने भी आपके इंडिकेटर हैं कि ये मशीन ऑन हो गई है या ऑफ हो गई है या ये दाएं गाड़ी जा रही है बाएं या फ्रंट सीधी जा रही है, वो सारे इंडिकेटर आजकल LED की मदद से हम ऑपरेट करते हैं। तो यानी ट्रैफिक सिग्नल में इसका इस्तेमाल आ गया है, ट्रैफिक सिग्नल्स। टेली कम्युनिकेशन में आपको पता है कि वो ऑप्टिकल फाइबर में टेली कम्युनिकेशन हर एक जगह, एमरजेंसी लाइट जो है वो हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट और जो एंड फैंसी लाइट्स, वो जो रंग बदलती हैं, कभी आप देखते हैं कि वो ब्लू हो रहे हैं, ब्लैक हो यानी उसके हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं, तो उसमें मल्टी कलर हमने लगाई हुई है, तो हम कहेंगे कि एमरजेंसी लाइट एंड यू में से फैंसी लाइट, रिमोट कंट्रोल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड की सूरत में, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। तो बेटा जी यानी हर किस्म की जो लाइट है हम इसमें जनरल लाइट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं आजकल बल्ब के लिए कि जनरल लाइट, यानी आजकल तो बल्ब भी वगैरह जो है ये, क्योंकि इसमें जो ये खासियत है कि इनपुट वोल्टेज और करंट आपको पता है कि नैनो एम्पियर में होता है, और वोल्टेज भी जो है वो बड़ी मामूली है, और ये बहुत सस्ता जो है वो तरीका है। इसकी एफिशिएंसी जो है आम जो हमारे इनकंडीशन बल्ब है उसकी एफिशिएंसी 1-2% है, यानी 99% वो हीट या दूसरी सूरत में एनर्जी ज़ाया करता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आजकल हम इसकी एफिशिएंसी जो है वो अप टू 40% तक इंक्रीज हो चुकी है। तो इसलिए ये कह लें कि हमें बड़ा सस्ता और बड़ा इजी ये रिपोर्टेबल भी है तरीका जो है वो हासिल होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर बड़े जी समरी करता हूँ कि आज हमने पढ़ा है LED लाइट एमिटिंग डायोड, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये इसके अपोजिट जो डिवाइसेस को फोटो डायोड कहते हैं, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, फोटो डायोड रिवर्स बायस में रखते हैं। तो इसमें जो होगा यानी रिकॉम्बिनेशन का अमल होता है और उसमें आयोनाइजेशन का अमल होता है, ये भी एक दूसरे के, यानी हम इसमें हम वो जा आके एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं
दूसरी तरफ से होल आते हैं, दोनों को हमने जो एनर्जी गैप है वो ज़रूरत के मुताबिक खुद एडजस्ट किया होता है। तो वो वहाँ आके जब रिकॉम्बिनेशन होती है जंक्शन क्रॉस करते हुए डिप्लीशन रीजन में, यानी इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम वैलेंस कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, तो वो उस वक्त वो एक फोटॉन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी की कीमत एच एफ जो होगी वो ई सी माइनस ई वी के बराबर होगी। ई सी एनर्जी एंड कंडक्शन बैंड और वो मतलब कहले वैलेंस। पहले हम उसकी शर्त है कि ये जो उनकी मोबिलिटी की रेशियो है यानी म्यू ई इलेक्ट्रॉन का केमिकल पोटेंशियल और म्यू पी होल का दोनों का सम जब वन के बराबर होना चाहिए। जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो हम सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तो अपैक है, दूसरा उसका जो एनर्जी गैप है वो लाइट के मुताबिक मैच नहीं करता, वो थर्मल रेडिएशन हीट से मैच करता है। तो इसमें जो मटेरियल है वो अमूमन हम कह लें कि गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, वो जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी रेशियो इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो जो एनर्जी गैप है वो 1.3 से 73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 तक रहे। 1.73 रखोगे तो रेड आ जाएगा, 0.2 बढ़ाते जाओगे तो वो मुख्तलिफ कलर जो है वो चेंज होते जाएंगे। यानी तो इस तरीके से हम इसका ये कहा था कि कौन से इसके में से कौन से कलर की लाइट निकलेगी वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। उसकी सारी लिस्ट मैंने देख दी है कि कौन से मटेरियल जो है वो कौन सा कलर जो है वो अमिट कर सकते हैं। डोपिंग यानी वेवलेंथ आप कैसे चेंज करते हैं, वो डोपिंग की रेशियो का भी फार्मूला लिख दिया है कि जी ए इंटू ए एस की पावर 1 - x और जो पी की पावर ऑफ एक्स, पी जो है वो फॉस्फोरस है और वो एस जो है वो आर्सेनिक है। तो जितने आप एक्स की कीमत यानी फॉस्फोरस की रेशियो बढ़ाएंगे और उसकी आर्सेनिक की कम करोगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, यानी फ्रॉम पहले अगर वो वेवलेंथ ज़्यादा वो रेड कलर है फिर कम होके वो ऑरेंज हो जाएगा, फिर कम होके वो येलो हो जाएगा। इस तरीके से आप उसका मर्जी से अपना कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए कि इसकी रेंज है 2 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर के अंदर रहे, तो उसके लिए हम आगे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम कहेंगे कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर एस सिंबल है। उसका फार्मूला भी आपको बता दिया कि आर एस इज इक्वल टू वी आउट पीक माइनस वी एफ डिवाइडेड बाई आई एफ। आई एफ फॉरवर्ड करंट है और वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज है और वो पीक आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरीके से मल्टी कलर जो है आजकल वो भी एलईडी आ रही हैं जो कि वही मतलब आप इंडिकेटर में टीवी वगैरह में लगाते हैं कि वही मुख्तलिफ कलर उसी बटन से पहले रेड निकलता है फिर ब्लू निकलता है फिर ग्रीन या ट्रैफिक सिग्नल में। उसमें हकीकत में हमने जो होता है वो दो एलईडी रखी होती हैं अपोजिट यानी कह लें कि पोलैरिटी में, एक जब फॉरवर्ड पास होती है तो एक रिवर्स पास होती है, एक ऑफ हो जाती है और एक ऑन हो जाती है। ठीक, तो उससे आप पहले फर्ज करें आप रेड कलर लेते हैं फिर आप फ्लिकरिंग करके दोनों को ऐसे दे कि चेंज पीरियड के दरमियान वो येलो देगी और उसके बाद फिर वो रेड कलर देना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट करके मुख्तलिफ यूजेज के लिए फैंसी लाइट में, फिर वो कंप्यूटर वगैरह में टाइपिंग वगैरह सब में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में या यानी इंडिकेटर वगैरह में, हर जगह टेली कम्युनिकेशन में हम इसको इस्तेमाल तो इसके हज़ारों हैं लेकिन ये चंद एक जो है इम्पॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच, ओके, खुदा हाफिज़। कल हम इससे नेक्स्ट जो डायोड है गन डायोड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर को अच्छी तरह फॉलो करेंगी और उसको स्टोर करेंगी। ओके, खुदा हाफिज।